अटेंशन के पीछे हमें नहीं भागना है, रिस्पेक्ट के पीछे भागना है। अटेंशन सेकंड में गायब हो जाती है और रिस्पेक्ट हमेशा के लिए रहती है। इस बात का ध्यान रखें, आईने की तरह रहे, सबके साथ अच्छा नहीं रहना है, अच्छे के साथ अच्छा रहे और बुरे के साथ बुरा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बुरे बन जाओ, लेकिन समझदारी से चलो। भूखा कुत्ता कभी वफादार नहीं होता, तो ऐसे लोगों से बात ना करें जो किसी मतलब से आपसे बात कर रहे हैं। जब आप समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको और अधिक समस्या दिखती है। जब आप संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके पास अधिक अवसर मिलने लगते हैं। उस चीज को कभी मत छोड़ो जो तुम वास्तव में चाहते हो। इंतजार करना मुश्किल है, लेकिन पछतावा इससे भी बुरा है। इंसान अपने पसंदीदा गाने की बुराई नहीं सुनना पसंद करता है, क्योंकि इसके साथ उसकी भावनात्मक घटनाएं जुड़ी होती है। जब इंसान मैच्योर होने लगता है तो उसके दोस्त भी कम होने लगते हैं। यदि आपका प्रेमी आपको मोटिवेट करे तो आप अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि सही इंसान चुनना जीवन में बहुत जरूरी है। लड़के अपने लिए ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जो उनको उतना ही प्यार करे जितना प्यार उनसे उनकी माँ करती है। लड़कों को वो लड़की ज़्यादा पसंद होती है जिसका तेज दिमाग होता है और समझदारी दिखाती है। लड़कियाँ अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए साइलेंस का प्रयोग करती है। क्या आप जानते हैं, जब वो आपको अनदेखा करना चुनती है तो वो वास्तव में बेहद आहत दुखी होती है। जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार बात करते हैं तब आप उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आप पहली बार कई नई जगह पर घूमने जाते हैं तो आपका मूड बहुत ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करता है। जो व्यक्ति कम पढ़ाई करते हैं उनको कोई चीज बहुत जल्दी समझ आ जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान दूसरों की बातें आपको बताता है वो आपकी बातें भी दूसरों को बताता होगा। पहचान हजारों रिश्ते बना देती है, मुस्कान हजारों गम भुला देती है। जिंदगी के सफर में संभल कर चलना गलत फहमी हजारों सपने चला देती है। अगर एक इंसान को किसी भी नई आदत को अपनाना है तो उस इंसान को कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो लोग उसकी आदत को अपनाना चाहते हैं। समूह के साथ किसी नई आदत को अपनाना आसान हो जाता है। हमारा दिमाग सच्चे लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाता, जबकि बुरे लोगों की बातों पर भरोसा कर लेता है, क्योंकि सच्चे लोग हमेशा कड़वा बोलते हैं। अगर आप किसी चीज में हार मानने लगे तो आप उस कारण को याद कर लें जिसकी वजह से आप अभी तक डटे रहे। आप कभी भी आसानी से हार नहीं मानोगे। जो इंसान आपको इग्नोर कर चुका है, अगर वो फिर से आपको दिल से चाहने लग गया तो आपको ये संकेत जरूर मिलेगा। वो आपके सामने आने की कोशिश करता रहेगा, चाहे सोशल हो या कोई आपकी खास जगह जहाँ आपका आना जाना हो। वो अपने सोशल मीडिया पर आपकी कोई खास चीज या आपकी कोई निशानी को जरूर शेयर करता रहेगा।